देखो बच्चों, अभी जो हम लोगों ने वो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर वाला क्वेश्चन किया, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और समझा दूं। देखो जैसे, जिससे कि आपका एक कंफ्यूजन निकल जाए दिमाग से, तो क्या होता है, मान लो मैं एक फंक्शन दिया गया साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, और हमसे कहा गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे। देखो एक्चुअली इनके वेरिएबल अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू वन ले लेंगे, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन ले लेंगे, आंसर टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो इनके वेरिएबल अलग अलग हैं। मतलब देखो जैसे यहां पर क्या होगा, साइन अल्फा को वन ले लिया, इसका मतलब अल्फा कहीं पाई बाई टू रहा होगा, और कॉस बीटा को भी वन ले लिया, इसका मतलब बीटा कहीं जीरो रहा होगा, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू हो गई, इसका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल अलग अलग है, हमने उनकी मैक्सिमम वैल्यू को रख लिया, क्योंकि अल्फा पाई बाई टू और बीटा जीरो हो सकता है, अल्फा बीटा अलग अलग है, क्योंकि ये पाई बाई टू होगा तो साइन मैक्सिमम होगा, और जब ये जीरो होगा तो कॉस वन होगा, तो इसलिए अल्फा पाई बाई टू और बीटा जीरो हो सकता, कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लो अगर यही सवाल ऐसे होता, एफ बराबर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होता, और हमसे कहा जाता एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो अब ये मत समझना कि हम साइन अल्फा को वन ले लें और कॉस अल्फा को वन ले लें, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल सेम है, अब दोनों सेम पॉइंट पर एक साथ वन नहीं होंगे, दिक्कत ये है, क्योंकि देखो यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है। अब ऐसे मान लो अल्फा यहाँ से पाई बाई टू होगा और अल्फा यहाँ से जीरो होगा, अब अल्फा एक ही साथ दो अलग अलग वैल्यू नहीं ले लेगा, मतलब अब देखो इन दोनों में अगर हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ अल्फा को पाई बाई टू रख दिया और यहाँ अल्फा को जीरो रख दिया, ऐसा गलत हो जाएगा। अगर अल्फा पाई बाई टू लेना है तो दोनों में लेना है, और अगर अल्फा जीरो लेना है तो दोनों में लेना, तो उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको टू नहीं मिल पाएगी, ध्यान दो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ कुछ और रख दें, यहाँ कुछ और रख दें, यहाँ वेरिएबल अलग अलग थे, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ हमने किया अल्फा को पाई बाई टू ले लें और यहाँ हमने कहा अल्फा को जीरो लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अल्फा पाई बाई टू लेंगे तो दोनों में लेंगे, और अगर दोनों में लेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू वन, और अगर अल्फा जीरो लेंगे तो दोनों में लेंगे, और अगर अल्फा जीरो दोनों में लेंगे तो ये वन और ये जीरो, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू टू नहीं हो पाएगी, है ना। तो सेम वेरिएबल में ऐसा नहीं किया जा सकता कि तुम अलग अलग फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू दे दो, और हमने आपको बताया था, आपको मालूम होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें देखो ए हो गया वन और बी भी क्या हो गया, बोलो वन, ए हो गया वन, बी हो गया वन, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो टू हो गई, सॉरी एफ की देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई, बोलो रूट टू हो गई, ध्यान देना मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, बोलो माइनस रूट टू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट टू हो गई, और ये हमने एक फॉर्मूले से निकाला। तो मतलब देखो यहाँ पर पॉइंट समझने का ये है कि अगर अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर अलग अलग थे, तो हमने उन सबकी अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया, सही था, लेकिन वहां पर अगर सेम वेरिएबल पड़ जाता तो नहीं कर पाते ऐसा, तो पूरे स्क्वायर को खोलना पड़ता। जैसे मान लो हम तुम्हें ये क्वेश्चन दे दें, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, अब हम कहें कि सबकी अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। अब अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो सबका स्क्वायर खोलो, इसको सिंगल फंक्शन मिलाओ, फिर अपना मैक्सिमम निकालो, तभी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ देखो ऐसा तो हो सकता है, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करें, और हम क्वेश्चन करें एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, मान लो हम क्वेश्चन करें एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, और हम ये कहें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम, जैसे हम कहें ना किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो कहने का मतलब वो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, हालांकि लैंग्वेज का कंफ्यूजन रहता है किताबों में, अलग अलग नोट्स में, अलग अलग मटेरियल्स में ही थोड़ा लैंग्वेज का कन्फ्यूजन रहता ही रहता है, अलग अलग
किताब वाले अलग अलग मटेरियल वाले अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज चलाते रहते हैं, लेकिन आईआईटी जब पूछेगा तो सवाल क्लियर पूछेगा, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम या ग्रेटेस्ट या लीस्ट। ठीक, तो जैसे हमने कहा इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बताइए, है ना। देखो जैसे ये भी जो आपने मैक्सिमम निकाला है ना, एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है यहाँ पर, है ना, ये लोकल मैक्सिमा नहीं है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है फंक्शन का। तो जैसे मैंने कहा इसका मैक्सिमम बताइए, यानी एफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम। अब देखो यहाँ ये चीज संभव है, क्योंकि देखो जीरो पर ये भी वन होगा और जीरो पर ये भी वन होगा, तो सेम पॉइंट पर दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम सेम पॉइंट जीरो ले लें तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी, और देखो कॉस जीरो की मैक्सिमम वैल्यू वन तो आंसर टू। अब देखो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों जगह सेम वेरिएबल है और सेम पॉइंट पर ही दोनों फंक्शन मैक्सिमम भी हो रहे हैं, तो हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। या किसी अगर हमें मान लो मिनिमम वैल्यू निकालनी होती और सेम पॉइंट पर दोनों मिनिमम हो रहे होते तो कर सकते थे, क्योंकि वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है और सेम पॉइंट पर दोनों अलग अलग मैक्सिमम हो रहे हैं तो वो सेम पॉइंट लिया जा सकता है, या सेम पॉइंट पर दोनों अलग अलग मिनिमम हो रहे हैं तो वो सेम पॉइंट को रख करके फंक्शन की लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, ये बात ध्यान देना। ठीक, तो ये मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ये बताया, जिससे आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप ये गलती ना करें। लिखो बच्चों ध्यान से इन बातों को, जरा